खबर अलवर से। अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सर्दी के मौसम को देखते हुए मरीजों की ओपीडी में बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें, ज्यादातर मरीज अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए आ रहे हैं जो कि खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं। अस्पताल में पहले ओपीडी कम थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और वैसे वैसे ही लोगों में सर्दी जुकाम का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि खांसी जुकाम बुखार की शिकायत ज्यादा होने पर अब मरीजों की ओपीडी भी बढ़ चुकी है। मरीज अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में ओपीडी के बाहर और पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें मरीजों की देखने को मिल रही हैं। वहीं डॉक्टरों ने मरीजों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना की लहर को देखते हुए लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सर्दी के मौसम में ओढ़ पहनकर ही घर से बाहर निकलें और अस्पताल आते समय मास्क लगाना अवश्य याद रखें। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्दी के मौसम में ओपीडी काफी बढ़ी है क्योंकि निमोनिया और खांसी जुकाम बुखार के मरीज काफी संख्या में बढ़े हैं। करीबन 200-250 मरीज पर डे ज्यादा आ रहे हैं। पहले करीबन 1000 के आसपास था, 1500-1600 के आसपास आ रहे हैं। उपाय के लिए सबसे पहले सर्दी से बचें, गर्म कपड़े पहने, घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलें और गर्म तासीर की चीज़ें खाएं, जैसे गर्म मसालों से बनी हुई चीज़ें, और समय समय पर बच्चों को बचाएं सर्दी से क्योंकि बच्चे बड़े ग्रसित हैं, और कोरोना का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगर ये लहर आती है जो कि चाइना में सुना है टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से और गवर्नमेंट सूत्रों के माध्यम से कि बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आउटडोर में अभी कुछ नहीं लग रहा है और स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर है और नियंत्रण में। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राजीव।